रात में हम पे आए, रात हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र में लिखा है हमें हर दिन सपनों में ये जहां से हमारी पार्टी गई वहां चुनाव लड़ेंगे। देखिए जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। और याद कीजिए नेताजी कहां कहां से नहीं लड़े, नेताजी जाने कितने क्षेत्रों से चुनाव लड़े, नेताजी गुन्नौर से भी लड़े चुनाव, नेताजी फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़े, नेताजी एटा से भी चुनाव लड़े, नेताजी मैनपुरी से भी चुनाव लड़े, शाहजहांपुर से भी लड़े चुनाव नेताजी। तो बड़ी जगह हमारे पास तो बहुत सारी सीटें हैं, आजमगढ़ से भी नेताजी लड़े चुनाव। आपको सवाल ये पूछिए कि जो सरकार किसान के खिलाफ है, जिस सरकार ने ये कहा हो कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, बताओ आय दोगुनी हुई क्या, धान कैसे बिक गया, और जिसका अभी आपने कहा सांड सड़कों पे घूम रहे हैं, खेतों में घूम रहे हैं, बताओ किसान दुखी है, बिजली महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, हर चीज किसान की महंगी कर दी, और जब खाद खरीदनी थी आप बताइए खाद कहाँ किसान को मिली, इसलिए किसान को खाद नहीं मिली। और बताइए ये तो पार्टी जी से सीखे हैं, हाँ ठीक बात है, ये बीजेपी वाले सीखे कहाँ से 5 किलो निकालना, ये पता आपको, ये पार्ले जी का बिस्किट पैकेट आता है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी पार्ले जी ने बिस्किट उसमें कम कर दिए, उतने पैसे में बिस्किट मिलेगा लेकिन संख्या उतनी नहीं मिलेगी, और कहो ज्यादा महंगाई होगी तो पार्ले जी के बिस्किट का साइज बदल जाएगा। तो अभी जो 5 किलो चोरी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी बनी रही तो बोरी का साइज बदल देगी। तो इसलिए मैं आपका कह रहा हूँ ये पूछे कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी, लास्ट में तुम्हारा वैसी में कहा कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार बनती है मुसलमानों के योगदान से बनती है। ये तो अच्छी बात नहीं, ये क्या खराब बात नहीं, लेकिन ये बताओ सवाल ही नहीं हो पा रहा, किसान गरीब व्यापारी नौजवान ये कहाँ है, ये भी तो उत्तर प्रदेश में है। मुसलमानों का योगदान आपके साथ है सर, बहुत सही, बहुत सही सवाल, सभी जिंदाबाद। उनके ऊपर आरोप लगाया कल लखनऊ में, नहीं वो बात हम लोग ये पारिवारिक बातों पे हम नहीं उलझेंगे, ये हम बीजेपी की तरह नहीं है। ये चुनाव लड़ने जाएंगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी, जिस भी क्षेत्र में जाए उस क्षेत्र की जनता इनसे पूछेगी कि आपने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, क्या किसानों की आय दोगुनी हुई, उस क्षेत्र के नौजवान जिन्हें नौकरी नहीं मिली, जिन्हें रोजगार नहीं मिले, जिन्हें बड़ा बड़ा सपना दिखाया था, वो तमाम नौजवान इनसे सवाल करेंगे कि नौकरी रोजगार मिला है कि नहीं मिला है, व्यापारी जिनके व्यापार खत्म हो गया, बर्बाद हो गए कोरोना के समय पर, किसी भी व्यापारी की कोई मदद नहीं की सरकार ने, और बिजली का बिल, और तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और जब मुखिया उनके चुनाव लड़ने जाएंगे जो दूल्हा है चुनाव के, वैसे तो आप जानते होंगे, हालांकि वो धारण नहीं देना चाहिए फिर भी मैं दे दूंगा उसको, अदरवाइज मुझ लीजिएगा, हमारे सब लोग जानते होंगे कि अगर बेटा परीक्षा में ना पास हो पा रहा हो तो कई बार मां बाप और चाचा भी जाते हैं थोड़ी नकल कराने, ये बात सच है कि नहीं सच है। तो हमारे बाबा मुखर्जी फेल हो चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं कर सकता, अब जो पास कराने आ भी रहे हैं वो भी नहीं करा पाएंगे पास।